दृष्टि आईएएस और अवैध ओझा ने ओल्ड राजेंद्र नगर हादसा में मामले में अपनी चुप भी तोड़ दी। दोनों का बयान घटना के 3 दिन बाद सामने आया। राव कोचिंग सेंटर में शनिवार को बेसमेंट में पानी घुसने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही थी क्योंकि इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्किल में बारिश के पानी के बेसमेंट में भरने से 3 छात्रों की मौत के मामले में चुप्पी के आरोप झेल रहे कोचिंग संचालक के बयान सामने आए। शिक्षक अवध ओझा के एक वीडियो में संदेश जारी किया है और दृष्टि आईएएस ने एक बयान जारी कर घटना पर दुख जताया। अवध ओझा ने कानून बनाकर ऐसे हादसों के जिम्मेदार की संपत्ति जब्त करने और आजीवन कारावास के प्रावधान की मांग की। एमसीडी सोमवार को कई कोचिंग सेंटरों के सील कर दिया था, इसमें दृष्टि आईएएस भी शामिल है। इसके दूसरे दिन दृष्टि आईएएस ने प्रतिक्रिया दी। अपने एक्स यानी अकाउंट ट्विटर से जारी बयान में दृष्टि की तरफ से घटना और उसके बाद की परिस्थितियों पर खेद व्यक्त किया, साथ ही अपना पक्ष देसी रखने के लिए माफी भी मांगी गई। छात्रों के गुस्से को न्याय संगत बताते हुए कहा है कि इस रोज को सही दिशा मिलनी चाहिए, सरकार कोचिंग सेंटरों के लिए दिशा निर्देश जारी करें। इस समस्या के कई पक्ष हैं, इनके तार कानूनों की अस्पष्टता को जुड़े हैं। DDA, MCD और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों को अंतर है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर अधिनियम और यूनिफाइड बिल्डिंग वाई लॉज के प्रावधानों में भी काफ़ी अंतर विरोध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर बाकी किसी भी दस्तावेज में कोचिंग सेंटरों के लिए स्पष्ट प्रतिमान नहीं है। हमें उम्मीद है कि जब 1 महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नियुक्त समिति रिपोर्ट पेश करेगी तब यहां बताई गई अधिकतर बातों का समाधान मिल सकेगा। दृष्टि आईएएस ने बयान में कहा है कि हम छात्रों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। इसके लिए मैनेजमेंट फायर एंड सेफ्टी अधिकारी का विशेष पद है जो सभी इमारतों में नियुक्ति शिफ्ट ऑडिटर करते हैं। साथ ही प्रत्येक इमारत के लिए एक एक अधिकारी भी रोजाना सुरक्षा के बिंदुओं की जांच करता है। इसकी सुरक्षा बिल्डिंग में मेंटेनेंस ग्रुप पर अपडेट होती है। दृष्टि आईएएस ने आगे कहा, हमारे क्लासरूम जहां भी हैं उन इमारतों में आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं ताकि इमरजेंसी के हालात में छात्र सुरक्षित निकल सकें। समस्या का स्थायी समाधान यही है कि सरकार दिल्ली में 3-4 स्थानों को कोचिंग सेंटरों के लिए चिन्हित कर दे। अगर सरकार क्लासरूम, पुस्तकालय, छात्रावास खुद तैयार कराएगी तो अधिक किराए और सुरक्षा से जुड़े प्रतिभानों समस्या नहीं करेंगी। बताते हैं कि विकास दीपकृति दृष्टि आईएएस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और घटना के बाद उनकी तरफ से बयान न आने के चलते इंटरनेट मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही थी। उधर आईएएस कोचिंग चलाने वाले अवध ओझा ने बयान देकर 4 मांगे रखी। उन्होंने कहा कि कोचिंग के लिए सभी जरूरी मानक तय होनी चाहिए। एक कक्षा में 100 बच्चों से अधिक नहीं बैठनी चाहिए। एडमिशन फॉर्म कोचिंग सेंटरों को एक अंडरटेकिंग देनी चाहिए कि हादसा होने पर जिम्मेदारी उनकी होगी। पूरी प्रतिक्रिया पर एक कठोर कानून बनाना चाहिए। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, मेयर का इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं होगा, दूसरा व्यक्ति आएगा और कुछ दिनों बाद व्यवस्था पहले जैसी हो जाएगी। कठोर कानून बने, फायर NOC देने वाले और MCD हर जिम्मेदार अधिकारी व कोचिंग संचालक की संपत्ति जब्त और उनको आजीवन कारावास का प्राविधान हो। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जब सब ऑनलाइन हो गया है तो छात्रों को ऑनलाइन की शिक्षा की तरफ से जाना चाहिए। कुछ शिक्षक धरना स्थल पर ही पहुंचते हैं और उन्होंने भी ऑनलाइन कक्षाओं की तरफ आने की छात्रों से अपील की थी।